नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संगठनों की श्रृंखला। इस कड़ी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। याद रखिए, आपके जितने महत्वपूर्ण संगठन खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में मिल जाएगी आपको। नीति आयोग, जैसा कि आपको पता ही होगा, नीति आयोग, इसे आप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा एक गठित नया एक संस्थान है। आपको पता होगा कि योजना आयोग को इति स्थापित करके आपका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। यह एक संविधानेतर निकाय है, नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। ठीक है, इसके गठन की बात करें हम लोग, तो गठन में आपके अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी हैं। अभी इसके गठन में याद रखना कि मतलब इसके अध्यक्ष होंगे कौन, हमेशा पीएम। अब कोई भी हो, अभी आपके नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी रहेंगे, जब कोई और पीएम बन जाएगा तो वो रहेगा। गवर्नेट काउंसिल, इसमें सभी राज्यों के सीएम, और जहां आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, सुन लीजिए, जहां आपके केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के सीएम, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में आपका विधानसभा नहीं है वहाँ के आपके प्रशासक शामिल होंगे इसमें। ठीक, इसमें क्षेत्रीय परिषद होगी, विशिष्ट आमंत्रित विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। क्या होंगे? विशिष्ट आमंत्रित विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें बात करेंगे पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा की, तो इसमें एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति आपका पीएम करेगा। इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष समझा जाएगा। किसके? कैबिनेट मंत्री के। और इसका अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, सदस्यों की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो राज्य मंत्री की पद के समक्ष होंगे, समक्ष होगा। ठीक है, अंशकालिक सदस्य होगा, इसमें अधिकतम 2 हो सकते हैं। पदेन सदस्य पीएम नियुक्त कर देंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, सीईओ की, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएन में नियुक्त करेंगे, भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष से समझा जाएगा। अभी कौन है आपके? अभी कांत है सीईओ नीति आयोग के। अब कार्यों की बात करें हम लोग, तो नीति आयोग के कार्य शामिल हैं भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट तैयार करना, केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता देना, सलाह देना, सरकार के सभी स्तर पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना, इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके उद्देश्यों की बात करें हम लोग, तो सरकारी संघवाद स्थापित करना, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना, शैक्षिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता करना, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ये था आपका नीति आयोग। आगे हम लोग बात करेंगे जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस के बारे में। ठीक है,